हेलो गाइस, वेलकम टू अमेज गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो मैं कर रहा हूँ डुअर एंकुश और मेरी रैंकिंग चल रही है 3000 के क्लोज। और भाई हैकर तो भर के आ रहे, इतने हैकर्स आ रहे कि पूछो ही मत। तो खैर, इस मैच में मैं हैकर वाली कहानी नहीं सुनाऊंगा, अगले मैच में आपको हैकर वाली भी क्लिप डालूंगा और दिखाऊंगा। तो हम लोग जाते हैं स्नो विलेज, वहाँ पे पिट के आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास गन ही नहीं होती है और ग्लाइड करते इधर उधर से पिट के आ जाते हैं बिना गन के। और यहाँ पे आता है एक बंदा जो कि लैंड करता है अपना 69 IQ लगा के मेरे ही वेयरहाउस के ऊपर लैंड करता है और मेरा टीममेट 69 IQ लगा के उसको नॉक कर देता है। और इसका दूसरा टीममेट आता है जिसको भाई बच जाता, पता नहीं वहीं पे लेट जाता और मेरा भी एम चोक करता हूँ। थोड़ी बुलेट कनेक्ट होती है लेकिन बंदा बच जाता है। अब मैं सीधा उस बंदे पे करता हूँ रस और मैं अपने टीममेट को बोल के रखता हूँ कि वह ओवर एग्रेसिव ना हो और थोड़ा देर होल्ड करे, वरना बंदा अगर मारेगा तो पूरा डालेगा और सीधा -40 मिलेगा यहाँ पे। मतलब -40 मतलब सीधा 400-500 रैंक नीचे। तो बंदा होता वॉल के पीछे, मेरे हाथ में है नेड, तो मैं इसको सीधा इसके मुंह पे मारूंगा नेड और देखना आगे होता क्या। कुछ नहीं होता, बंदा ही पे फट जाता है। तो इस बंदा को फटने के बाद एक किल आ चुका है दोनों का और दोनों टीममेट को मतलब -40 लग चुका है, मतलब जो एनिमी थे। और इस मैच में आप लोग देख लो कि कितने मतलब मस्त मस्त फाइट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो अभी फाइट होगा, सामने से आता है दो बंदे जो कि होते हैं शायद कपल्स, एक मेल एक फीमेल, महिला मित्र और पुरुष मित्र दोनों आते हैं। एक को करता हूं मैं पुरुष मित्र को पहले नॉक और इसकी जो महिला मित्र होती है वो वहीं पे छुप जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपना हेड अभी भी दिखा रही थी। पहले मैं इसको नेट से मार के फोड़ने का ट्राई करता हूं लेकिन मैं नेट कैंसिल करता हूं और इधर से जाता हूं, तभी मुझे महिला मित्र का चमकता हुआ हेड दिखता है। मतलब दिखता कुछ नहीं, मैं बस फायर कर देता हूँ, लग जाता है। ठीक है, अगर दिखता तो भाई वो पहले ही मार देता। तो खैर जो भी है, उधर मारने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए और हमारे ही सामने फ्लेयर चलती है। बंदे फ्लेयर मतलब चला के फ्लेयर ड्रॉप लूटेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, करते हैं शॉपिंग और जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले तो यहाँ पे भाई जो मस्त फाइट होगी वो देखो आप लोग। यहाँ पे आती है दो टीम, पहले एक टीम आती है जो शायद फ्लेयर ड्रॉप वाले होते हैं, तो मैं पहले से पिक करके रहता हूँ कि जैसे बंदा आएगा मैं इसको भर दूंगा, लेकिन यह बंदा आता ही नहीं है, उधर ही रुक जाता है। जब आता है मेरा टीममेट इसको नेट मार के नॉक करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं होता, मैं भी नेट मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन तभी मेरा टीममेट एक को नॉक देता है और तभी पीछे से एक स्क्वाड और आती है, मतलब डुओ। मैं एक को तो नॉक करता हूँ आते ही। अब मैं सीधा इधर उधर कुछ देखता हूँ, मैं सीधा पीछे वाले को इग्नोर करके नेट पे कर देता हूँ रस, लो रहता हूँ लेकिन इसको मैं मार देता हूँ। अब यहाँ पे तो दोनों मर गए, अब देखो इधर क्या होता है, जो वो बंदा था जो नॉक हुआ था वो हो जाता है रिवाइव और मैं नेट से मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता कि बंदा है कहाँ पे। तो मैं नेट मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन मुझे लोकेशन ही नहीं पता बंदा कहाँ पे, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मुझे लगता है वॉल के पीछे, तो मैं नीचे से मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा यहीं पे सैक के पीछे होता है। जब तक मेरे हाथ में नेट है मेरे टीममेट को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाता है, उसका एक टीममेट अभी भी नॉक है और वो उछल के आता है, मैं इसको उछला देता हूँ और पेटी बना देता हूँ। तो यहाँ पे पेटी बनने के बाद पूरा साइड से घुमा फिरा के मैं आ जाता हूँ इन घरों पे, इस कंपाउंड पे, ताकि यहाँ पे मतलब सेंटर ऑफ द जोन बोल सकते हो कि यहाँ पे था। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे होल्ड करता हूँ। मेरे पास M4 है एंड ओम है जो कि मैं भाई कितने सालों बाद चला रहा हूँ, मतलब मान लो तो भाई 2 साल बाद ही ओम चला रहा हूँ, 3 साल बाद रख लो, क्योंकि मैं जब आईपैड पे खेलता था तभी स्नाइपिंग करता था, उसके बाद तो 2 फिंगर 4 फिंगर मेरे से फ़ोन में स्नाइपिंग होता नहीं था। तो मैं वापस से कंट्रोल चेंज किया हूँ, आईपैड वाला कंट्रोल आया हूँ, तो मैं अभी वापस से ट्राई कर रहा हूँ ओम का और भाई खैर ठीक ठाक ही चला। एक तो शॉट कनेक्ट हो गया, 4 मारा था मैं, एक कनेक्ट हो गया, तो 3 क्यों दिखाना। उसके बाद यहाँ पे बंदे होते दोनों जाते हैं, एक को स्प्रे देता हूँ, मस्त स्प्रे पड़ती है इसको, ये हो जाता है नॉक। उसके बाद मैं इसको ओम से मारने का ट्राई करता हूँ, इसको ओम का बॉडी पड़ता है लेकिन कोई और हरामी सॉरी काली नहीं कोई और बंदा उसको भाई फिनिश कर देता है, मतलब मेरा क्लियर हो जाता है चोरी। एक बग्गी जाता है जिसको मैं मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन ये बच जाता है और वहाँ पे स्मोक हो जाता है। इस बंदे को भी मैं मारता हूँ, काफ़ी डैमेज होता है लेकिन मेरे ही उसके ही मतलब हम दोनों के बीच में पेड़ आ जाता है जो कि उसको बचा लेता है। तो खैर इसको छोड़ो, वो बग्गी वाला भी उधर गया। मैं यहाँ पे थोड़े देर और ट्राई करता हूँ कि क्या पता वो बंदा दिखे, मैं उसको भर दूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। फिर जोर बन चुका है तो मैं सीधा कहीं पे अंधा घुसने से अच्छा मैं इन सैक पे पकड़ लेता हूँ इस सैक को, ताकि अगला जोन कहाँ पे बनेगा उस तरह से मैं आगे जोन पे जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे आके रुक जाता हूँ थोड़ी देर। अब देखना यहाँ पे भी आपको अच्छी फाइट देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो मैं थोड़ा देर पे रुकता हूँ, या जो बंदा मेरा किल चोरी किया था सिवा ये और भी बंदे मार रहा है, खैर इसको बाद में देख लिया जाएगा। एक मस्टैंग से जाता है जिसको मैं मारता हूँ, या घुसने वाला ही रहता है, लेकिन फरदीन भाई का यहीं पे पेटीएम जाता है। उसके बाद एक बंदा और होता है जो लेता होता है स्मोक करके, खैर मुझे तो दिख रहा था तो मैं इसको भी देता हूँ। उसके बाद मैं अपने ही बग्गी पे पहले स्मोक करता हूँ ताकि मेरा बग्गी का कोई टायर ना फाड़ दे, वरना फिर मेरा यहीं पे पेटी बनना तय था, क्योंकि ओपन बहुत ज्यादा है, जाने में बहुत दिक्कत होती। तो मैं पहले अपने ही बग्गी को सेफ करता हूँ स्मोक करके, फिर जोन आने वाला होता है तो मैं फुल बूस्ट करता हूँ और सीधा जोन के एज से चला जाता हूँ इस घर पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस घर पे जाने के बाद देखो जो होता है वो आप लोग देखो। बस देखो यहाँ पे होता है दो बंदे, लेकिन इस घर पे नहीं होते, वो होते हैं बगल वाले घर पे। और दोनों ही बंदे बहुत ही हरामी होते हैं, मतलब मेरा जीना हराम करके रख देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं ऊपर से चला जाता हूँ नीचे, क्या पता ऊपर से ब्लू वाले घर से लेफ्ट साइड से दिखता था और वहां से कहीं पड़ गया तो मेरे यहीं पे पेटी बन जाए, तो मैं आ जाता हूँ नीचे और सामने होता बंदा जो कि भाई बिल्कुल मतलब कैंप करके पहले रहता है, लास्ट में दिखता है बस बंदा। तो इसको मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन जैसे मारने का ट्राई करता हूँ वो भी मुझे एक दे देता है, अच्छा मुझे डैमेज पड़ चुका है। अब देखो ये लोग दो बंदे हैं, मैं यहाँ पे मेरे पास जोन नहीं, मेरे पास जोन खत्म हो चुका है, मुझे उनके पास ही जाना है और अब वो इतने नेड और मौली करेंगे कि देखना। नेड आया, अंदर नहीं आया, मैं बच गया। तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ ताकि यह जो विंडो है ये ब्लॉक हो जाए और नेड ना कर पाए, ना मौली कर पाए। मौली किया जो कि मेरे पास नहीं आया, मैं रेड डॉट लगा लिया हूँ ताकि क्लोज में दिक्कत ना करे, वरना 3x कई बार होता है दिक्कत कर देता है, और 4 फिंगर में मेरे को आजकल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत चीज अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है, लेकिन 2 फिंगर पे आदत है, बहुत चीज बहुत अच्छा होता है, तो मैं कंट्रोल चेंज किया तो कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं सबसे पहले स्मोक करता हूँ, दोनों बंदे ओपन होते काफी, फिर बटन मेरा अच्छे से भी काम किया, एक को मारता हूँ और लकीली इस बंदे को लग जाता है हेड। अब इसका दूसरा बंदा होता है जो कि यहीं पे रहता है सैक के पीछे, तो मुझे नेट मारने वाला होता क्या होता पता नहीं, लेकिन वो बंदा भागता है, निशक के अंदर रहता है वो बंदा भागता है। तो मैं अब इस पे मारता हूँ नेट, अब देखना मैं अपना 69 IQ लगा के कैसे इस बंदे को मारूंगा। ठीक है, मुझे पता था बंदा वहीं पे होगा, गेट खुला था एंड बूम दोनों खत्म, करण भाई एंड और एक कौन थे जो भी थे दोनों खत्म। अब सामने होता है बंदा ब्लू बिल्डिंग पे, ठीक है दो बंदे होते हैं ब्लू बिल्डिंग पे, मेरे पास जोन बिल्कुल नहीं है, मैं नेट बॉली उठाने वाला होता हूँ लेकिन तभी जोन आ चुका है, तो मुझे अब निकलना पड़ेगा इधर से। जैसे तैसे करके मैं इधर से निकलता हूँ और मेरे ही सामने एक बंदा और होता है जो कि मेरे ही जस्ट बाजू में रहता, वो भी मेरी ही तरह स्ट्रगल कर रहा होता है जोन जाने में, और ये बंदे बहुत ही अच्छा पोजिशन लेके है। मैं नेट मारता हूँ लेकिन कुछ फायदा होता नहीं है। अब ये बंदे, इन बंदों को मेरी पोजीशन पता है, मैं एक और नेट मार दूंगी, क्या पता इधर रहे टकरा के बूम बाम हो जाए इसके साथ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। मैं यहीं पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर, मेरे पे नेट आता है, क्या नेट आगे गिर जाता है, मैं यहाँ पे बच जाता हूँ, मैं स्मोक कर देता हूँ इधर। और एक बंदा मेरे ही लेफ्ट में होता है, मुझे इसका मेरा टीममेट बोलता जाके मार लो, लेकिन मैं उसको अभी थोड़ा देर छोड़ देता हूँ, उसको भी खेल लेना, उसको भी छोड़ दो, उसको भी खेलना यार, उसे भी चिकन चाहिए। अरे सामने वालों को देखना, सामने दो बंदे और उनके पास जोन है, तो उन पे ज्यादा फोकस कर रहा था फिलहाल। यहाँ पे चढ़ जाता हूँ, यहाँ पे लेटता हूँ, लेकिन मैं इधर खड्डे में आ जाता हूँ और यहाँ पे भाई ये खड़ा हो जाता है उठ के। मौली आता है मेरे पे, पड़ा मुझे शॉट्स पड़ता है, यहाँ पे एक बंदे को मार दिया गया। मैं सबसे पहले हील करता हूँ अच्छे से, अब देखो जो यहाँ पे होने वाला वो देखो आप भाई, मजा आता है। ये बंदा होता है इसको मैं मारता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई चुक जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, टाइम मेरा गड़बड़ हो जाता है, मैं अंदर से जाने का ट्राई करता हूँ लेकिन भूल गया था कि जोन आ चुका है और अच्छी डैमेज पड़ेगी इधर। तो मैं सीधा कुछ नहीं देखता, सीधा आता हूँ, स्मोक तो किया हुआ था, मैं इन घर पे आ जाता हूँ मतलब ग्रास पे, और अब मैं इस बंदे पे पुश करने वाला था, लेकिन पुश करने से पहले मैं खुद को हील करना चाह रहा था, और एक बंदा पीछे था, मुझे लगा था वो लोग एग्रेस करेंगे लेकिन नहीं, वो आराम से बैठे हुए, एक बंदा छत पे है और एक बंदा, देखो दो बंदे छत पे है और दो बंदे इधर है पीछे, एक बंदा पीछे है, मतलब 2v1v1 है।
तो मैं सबसे पहले बूस्ट करता हूँ और मेरे अंदर अब मची है एक चुनकी, मैं जाके बंदू को मार दूं। और मैं जैसे ही जाता हूँ इसको डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा रहता है डीबीएस लेके, और इसका भाई यहीं पे मेरा डीबीएस का मेरा पेटी हो जाता है स्मार्ट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।